हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत राज केतन। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल एनआरके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं गूगल कीबोर्ड के कुछ हिडन ट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, गूगल कीबोर्ड हम सभी लोगों के फ़ोन में पहले से इनबिल्ट आता है और हम लोग इसी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए और किसी को सेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन गूगल कीबोर्ड में कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो आप लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे होंगे, और आप लोग इन सारे फीचर्स का यूज़ करके अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इन सारे फीचर्स का यूज़ करके आप लोग अपने टाइपिंग के अनुभव को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी विलंब के चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है गूगल ट्रांसलेट का। तो फ्रेंड्स, इस फीचर का यूज़ करके आप लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर आप कुछ इंग्लिश में लिखें और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप लोग कुछ हिंदी में लिखें और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया और इधर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में मिल जाएगा इंग्लिश, तो मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। तो इधर हिंदी और इधर इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है। तो अब मैं यहाँ से कुछ भी हिंदी में जैसे टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप कहाँ हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आप कहाँ हो, ये ऑटोमेटिक इंग्लिश ट्रांसलेट हो चुका है वेयर आर यू। तो ऐसे करके आप लोग कुछ भी हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिख से और भी कुछ लिखता हूँ और आप देख सकते हैं ये रियल टाइम ट्रांसलेट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने लिखा आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ आ चुका है व्हाट आर यू डूइंग। तो फ्रेंड्स, इस फीचर का यूज़ करके आप लोग कुछ भी हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी आपको हिंदी क ख करके लिखना नहीं पड़ेगा। आप लोग सिंपल जैसे इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं वैसे लिखेंगे और आपका इंग्लिश हो जाएगा वो। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कुछ इंग्लिश में लिखो और वो हिंदी में टाइपिंग हो जाए, तो आपको यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना है और इधर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ से इंग्लिश में कुछ लिखा वो हिंदी ट्रांसलेट हो चुका है ऑटोमेटिक, और मैं इसे आसानी से यहाँ से सेंड कर सकता हूँ किसी को भी। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है गिफ्ट का। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक गिफ्ट का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, तो आपको जाना है गिफ्ट के सेक्शन में। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी देखने को मिल रहा है, आप लोग कैसा गिफ्ट चाहते हैं अपने, और यहाँ पे आपको एक सर्च का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से सर्च में जाना है और आपको जिस भी तरह का गिफ्ट चाहिए आपको यहाँ से उसे टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट आ चुके हैं और आप लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। बस एक सिंगल क्लिक आपको करना है और आप इसे आसानी से सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, थैंक यू सॉरी, आपको हर एक तरह का गिफ्ट मिल जाएगा और आप लोग यहाँ बहुत सारे ढेरों सारे मिल जाएंगे, और आप लोग इसमें से किसी भी एक को चूज करके आसानी से सेंड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट फीचर ही स्टिकर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप गूगल कीबोर्ड में स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिकर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है यहाँ से इमोजी के ऑप्शन में, और इमोजी के ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक स्टिकर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको बस इस बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, और आप लोग यहाँ से सिंगल क्लिक में किसी को भी सेंड कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक करना है आपको किसी भी स्टिकर पे और वो सेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और भी कैटेगरी है बहुत सारे स्टिकर्स के, आप लोगों को कुछ भी सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एनिमेटेड स्टिकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ एनिमेटेड है जैसे कि, तो आप लोग इन सारे स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे स्टिकर्स कितने अच्छे लगते हैं देख के, और अगर आपको और भी स्टिकर्स चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको बस इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ स्लाइड राइट करना है आपको, या तो ब्राउज के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स के कैटेगरी है। तो आपको जो इन भी स्टिकर्स को अपने फ़ोन में लाना है उससे आपको क्या करना है, यहाँ से उसे सेलेक्ट करना है किसी को भी, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से हर्ट आइकन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं वो आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा और आप लोग उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिकर्स अभी मैंने जिसे ऐड किया वो ऐड हो चुका है, और एक सिंगल क्लिक में मैं इसे सेंड कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट फीचर इज हिडन गेस्चर्स। तो सबसे पहला जो हिडन गेस्चर है वो है फ्लो राइटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ भी टाइप करना है तो आप लोग फ्लो के साथ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे निशांत लिखना है तो मुझे यहाँ से NISHANT ऐसे लेके जाना है और मेरा नाम टाइप हो चुका है, और फिर अगर कुछ और भी लिखना है राज तो आपको R से उठाना है AJ। तो ऐसे करके आप लोग फ्लो राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फास्ट टाइपिंग होता है, तो आप लोग इस फ्लो राइटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइपिंग को और भी ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। आपको एक एक वर्ड को ऐसे ऐसे करके टाइप नहीं करना होगा, आपको बस यहाँ से स्लाइड करना है और आप लोग कुछ भी टाइप कर देंगे। और दूसरा जो है कि अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है एक साथ तो आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को डिलीट करना है आपको क्या करना है, आपको स्लाइड राइट लेफ्ट करना है, और आप देख सकते हैं एक बार में पूरा सेंटेंस डिलीट हो चुका है।
और फ्रेंड्स गूगल कीबोर्ड को कुछ हिडन गेस्चर्स मैंने अपने हिडन गेस्चर वाले वीडियो पे बताया था, तो आप लोग इंड स्क्रीन से वो देख सकते हैं या मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ हिडन गेस्चर्स थे जो उस वीडियो में बच गए थे, तो मैं उसे इस वीडियो में बता देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हो तो और अचानक आपको कुछ भी कैप्स लॉक में टाइप करना है, मीन्स कि कैपिटल टाइप करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और फिर आप यहाँ से कुछ भी कैपिटल में टाइप करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी लिखते लिखते आपको कैपिटल में टाइप करना है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी टाइप करना है कैपिटल में तो आपको बस यहाँ से स्लाइड करके उस लेटर तक ले जाना है और आप देख सकते हैं वो लेटर कैपिटल में टाइप हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कुछ भी जब लिख रहे हैं तो आपको बस यहाँ से स्वाइप करके ले जाना है वहाँ तक और वो लेटर कैपिटल में टाइप हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग अपनी टाइपिंग को और भी ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आपको नंबर को टाइप करना है तो आपको यहाँ से स्वाइप करके नंबर तक ले जाना है और आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बार बार क्लिक नहीं करना होगा, आप आसानी से यहाँ से भी स्वाइप करके लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल कोई भी नंबर को आसानी से ले सकते हैं बस एक सिंपल गेस्चर की मदद से। और फ्रेंड्स गेस्चर में ही एक और भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि अगर यहाँ से आपको कोई भी नंबर को टाइप करना है किसी को, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जैसा डायल पैड में कीबोर्ड होता है स्क्वायर वाला, आप ऐसा कीबोर्ड से लिख टाइप करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नम पैड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 1 2 3 का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर वाला कीबोर्ड आ चुका है और आप यहाँ से आसानी से किसी के भी नंबर को टाइप कर सकते हैं। ये टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो मुझे तो ऐसे करके नंबर टाइप करने की आदत है नहीं, तो मैं तो ऐसे ही टाइप करता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा फास्ट टाइप होता है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज वन हैंडेड मोड। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कीबोर्ड थोड़ा छोटा हो जाए, आप कुछ काम कर रहे हो और आप टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे इंटर बटन पे क्लिक करना है थोड़ा देर और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आपको स्वाइप राइट करके आपको छोड़ देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कीबोर्ड हमारा छोटा हो चुका है और यहाँ से आप लोग आसानी से एक हाथ से टाइप कर सकते हैं, बस आसानी से ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। और इसे रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस इस बटन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको जितना इसे बड़ा छोटा करना है आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे कहाँ पे रखना है, तो आप लोग इसे स्क्रीन में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इसके साइज़ को और भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड कितना छोटा हो चुका है और मैं इस आसानी से यहाँ से एक हाथ से टाइप कर सकता हूँ। तो आप लोग इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कीबोर्ड को फिर बड़ा करना है तो आपको बस इस आइकन पर क्लिक करना, आपका कीबोर्ड नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला जो फीचर है वो है थीम का। तो मुझे पता है कि आप में से सभी लोगों को थीम के बारे में पता होगा, तो आप लोग यहाँ से गूगल कीबोर्ड के थीम को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको बस उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स आपको की बॉर्डर्स का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग की के बॉर्डर्स को आसानी से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसा अपने कीबोर्ड को रखना है आप लोग की बॉर्डर्स को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी करके अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरा जो काम का फीचर है वो है क्लिपबोर्ड का। तो फ्रेंड्स क्लिपबोर्ड का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे कुछ भी शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी बार बार पेस्ट करना होता है, अपना एड्रेस या अपना नाम कुछ भी बार बार पेस्ट करना होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसे क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में कुछ भी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पेंसिल बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे कि क्लिपबोर्ड में मुझे अपना एड्रेस को सेव करना है, तो मुझे ऐड न्यू आइटम करके यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख के सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ बस एड्रेस लिखा अभी और सेव कर दिया, और सेव करके आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस मेरा दोनों सेव हो चुका है, दो चीज़ मैंने सेव किया है। तो अगर मुझे अब मुझे जल्दी जल्दी अपना एड्रेस को कहीं पे टाइप करना है तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कीबोर्ड में जाना है और यहाँ से बस एक सिंगल क्लिक करना और मैं आसानी से कुछ भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। आप लोगों को ऐड न्यू आइटम में जाना है और आसानी से आप क्लिपबोर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। और जब आपको कुछ भी डिलीट करना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस आपको होल्ड करना है लॉन्ग प्रेस और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, तो आप लोग आसानी से डिलीट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप क्लिप बोर्ड से ही रिलेटेड एक जी बोर्ड का और भी फीचर है वो है पर्सनल डिक्शनरी का। तो फ्रेंड्स पर्सनल डिक्शनरी का यूज़ करके आप लोग कुछ भी जैसे टाइप किया आपने अभी एड्रेस, तो आपको क्लिप बोर्ड में जाके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग पर्सनल डिक्शनरी में अपना एड्रेस सेव करते हैं तो आप लोग वहाँ पे कुछ शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे ही AD लिखेंगे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा और आप लोग उसे टाइप कर सकते हैं। तो कुछ भी पर्सनल डिक्शनरी में ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा डिक्शनरी का, तो आपको इस डिक्शनरी में जाना है, फिर यहाँ से पर्सनल डिक्शनरी और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ भी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिखेगा, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है टाइप ए वर्ड। तो मुझे जो भी यहाँ पे कुछ भी लिखना है मुझे बस यहाँ से टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल शॉर्टकट। तो मुझे जैसे कि मैंने अपना पूरा नाम लिखा, तो अगर मुझे पूरा नाम लिखना है कहीं पर तो मैं इसके लिए शॉर्टकट सेट कर रहा हूँ NN। तो जैसे कि मैं इसे सेव करता हूँ अभी
सही करके यहाँ पे मुझे बस बैक करना है और ये सेव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये जो निशान था स्केतन का नेम सेव हो चुका है, NN से मैंने सेट किया है। तो अगर मुझे अब अपना नाम जल्दी जल्दी कहीं पे लिखना है तो मुझे क्या करना है, अपने कीबोर्ड में बस NN लिखना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नाम आ चुका है। तो ऐसे करके आप लोग अपने पर्सनल डिक्शनरी में बहुत चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस हो गया या अपना नाम हो गया और भी किसी का एड्रेस हो गया, नंबर हो गया अपना, तो वो सारी चीज़ें को आप अपने पर्सनल डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक शॉर्टकट दे सकते हैं और उस सारे शॉर्टकट्स का यूज़ करके आप लोग अपने समय को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फीचर है वो है टॉप बार। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे में यहाँ पे एक इमोजी का बार है और यहाँ पे एक नंबर का बार एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है प्रीफ्रेंसेस में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नंबर रॉ का, तो अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपके टॉप बार से नंबर गायब हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक इमोजी वाला सेक्शन, तो अगर आप लोग यहाँ से इमोजी फास्ट एक्सेस बार को ऑफ कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेरा इमोजी वाला भी दोनों इमोजी और नंबर गायब हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस नंबर बार को और एक इमोजी बार को यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं, नंबर रॉ को और यहाँ से इमोजी फास्ट एक्सेस बार को यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। तो आपके भी कीबोर्ड में यहाँ से एक इमोजी बार दिखेगा और यहाँ से एक नंबर बार एक्स्ट्रा दिखेगा जो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो आपके काम आएगी। एंड द नेक्स्ट फीचर इज वॉइस टाइपिंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन गूगल का जो वॉइस टाइपिंग वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है और 90% या 95% आप बोल सकते हैं ये एक्यूरेट टाइप करेगा आप जो भी कुछ बोलेंगे हिंदी या इंग्लिश में। तो मैं इसे आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो आपको अगर कुछ भी वॉइस टाइपिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ से एक वॉइस का एक जो ऑप्शन मिलता है आपको बस इस पर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं ये वॉइस टाइपिंग हमारा इनेबल हो चुका है। तो अगर मैं इसे अब इनेबल करके कुछ भी बोलता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टाइप कर लेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से कुछ भी अभी बोल रहा हूँ, हेलो हु आर यू, तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से टाइप हो चुका है। तो ऐसे ही करके अगर आप लोग कुछ भी इसे हिंदी में भी बोलते हैं तो वो भी ये आसानी से सुन लेगा और आसानी से टाइप भी कर देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो क्या कर रहे हो, आप लोगों ने देखा ये कितना आसानी से हमारा एक सेकंड या दो सेकंड भी नहीं लगा और इसने सारे वर्ड्स को टाइप कर दिया। तो ऐसे करके आप लोगों को अगर कुछ भी लिखना है लंबा सा तो आप लोग आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। हेलो कहाँ हो, खाना खा लिया, तो आप लोगों ने देखा ये कितना फास्ट काम करता है और आसानी से ये टाइप भी करता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करता है। तो आप लोग गूगल वॉइस टाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी टाइप करना है तो, ये बहुत ही आसानी से टाइप करेगा आपको हिंदी टाइप करना हो या इंग्लिश। तो इस फीचर का आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा एंड थैंक्स मी लेटर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ये वीडियो आपको पसंद जरूर ही आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स अभी आ जाओ सारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और कमेंट में मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।